स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्राइसिटी प्रॉपर्टी गुरु में। मैं हूं आपकी होस्ट तरन्नुम। तो आज मैं दोबारा हाजिर हो गई हूं आपके लिए एक नया घर लेकर। गाइज, आज जिस प्रोजेक्ट पर मैं आपको लेकर आई हूं ना, उसकी स्पेशलिटी ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर नेचर को एंड ग्रीनरी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात है, ये प्रोजेक्ट जिस लोकेशन पे लोकेटेड है ना, वो ना ही बहुत ही हाईवे के नज़दीक है ताकि आपको शोर महसूस हो या फिर आपको क्राउड महसूस हो, और ना ही इतनी दूर है कि आपको कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम आए। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ लीला ऑर्चर्ड में, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक 1530 स्क्वायर फीट का सैंपल अपार्टमेंट। आइए चलते हैं। अभी मैं खड़ी हूँ, आप यहाँ पे ये रोड देख सकते हैं, ये आपका खरड़ लांड्रा हाईवे है एंड इसी के ऊपर लोकेटेड है हमारा आज का प्रोजेक्ट लीला ऑर्चर्ड। एंड एक और भी मेजर रोड इसके साथ कनेक्टेड है, वो है आपका PR1। लाइक आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी का कोई भी इशू नहीं होने वाला है। आप ये वाला रोड देख रहे हैं, अगर आप यहाँ से आगे को एक्सेस करते हैं, आप आगे जीरकपुर दिल्ली के लिए इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप फर्दर कुराली के लिए, हिमाचल के लिए इजीली, एंड फर्दर मोहाली के लिए एक्सेस कर सकते हैं। लाइक आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी का कोई भी इशू नहीं होने वाला है। लीला ऑर्चर्ड कम्प्लीट 6.25 एकड़ का टाउनशिप है, इंक्लूडिंग 8 टावर्स, जिसमें से 6 टावर 3 BHK के हैं एंड 2 टावर 2 BHK के हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट में बहुत सारी अम्यूनिटीज़ भी आपको मिल जाती हैं। प्रोजेक्ट के अंदर 9000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस अवेलेबल है, जिसके अंदर स्विमिंग पूल, बैंकवेट हॉल, आपके इंडोर गेम्स एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है। एंड इसके अलावा प्रोजेक्ट के अंदर 1.5 एकड़ का आपको एक बहुत ही बड़ा पार्क मिल रहा है, जिसके अंदर जॉगिंग ट्रैक, सिटिंग अरेंजमेंट्स, लाइक काफ़ी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर बनाई गई हैं। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो नेचर एंड ग्रीनरी को बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रखी है, तो प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने 2000 जो है वो ट्रीज लगा रखे हैं, जिसमें से अगर हम बात करेंगे तो 500 जो ट्रीज हैं वो आपके हर्बल ट्रीज हैं। लाइक ये एक बहुत अच्छी बात मुझे इस प्रोजेक्ट की लगी है। तो आइए फाइनली अब चलते हैं हमारे सैंपल अपार्टमेंट। सो हर टावर के ग्राउंड फ्लोर पे आपके लिए रिसेप्शन डेस्क एंड वेटिंग एरिया अवेलेबल रहेगा। रिसेप्शन डेस्क पे 24/7 गार्ड अवेलेबल रहेंगे, इन केस आपको मीट करने के लिए कोई आता है तो उनको अपने नाम एंड नंबर वहाँ पे नोट करवाने पड़ेंगे, फिर अगर आप परमिट करते हैं तभी वो आपके फ्लैट में एंटर कर सकते हैं। एंड वेटिंग एरिया आप यूज़ कर सकते हैं, किसी के लिए वेट कर रहे हैं, आप कैब के लिए वेट कर रहे हैं तब कर सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसी मीटिंग करनी है किसी के साथ जिनको आप अपने फ्लैट में नहीं लेके जाना चाहते तो आप बाहर उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ रहा हमारा आज का सैंपल अपार्टमेंट इन द साइज ऑफ 1530 स्क्वायर फिट, जो मैं आपको आज रिव्यू करने वाली हूँ। बट इसके अलावा इनके पास 2 BHK एंड 3 BHK में भी एक और इन्वेंट्री अवेलेबल है इन द साइज ऑफ 1650 स्क्वायर फिट इन मायवान कंस्ट्रक्शन। बात करेंगे इस अपार्टमेंट की, तो इसमें आपको ड्यूअल एंट्री मिल जाएगी। लाइक एक एंट्री आपकी यहाँ पे रहेगी एंड एक एंट्री आपकी वहाँ पे रहेगी, जिसको आप मल्टीपर्पसली यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप जो अपार्टमेंट है आपका उसको 2 BHK ही अपने पास रखना चाहते हैं, एक रूम आप रेंट आउट करना चाहते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। लाइक काफ़ी तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आइए अब एंटर करते हैं हम अपने सैंपल अपार्टमेंट में। सो दिस इज़ द ड्रॉइंग एंड डाइनिंग एरिया। सबसे पहले ही आपको यहाँ पे ड्रॉइंग एंड डाइनिंग एरिया मिल जाएगा इन द साइज ऑफ 11.6x20। क्योंकि ये सैंपल अपार्टमेंट है तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली इसको डेकोरेट कर रखा है। यहाँ पे इस वॉल पे अगर आप देखेंगे PVC पैनलिंग कर रखी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि इस घर में आप किन्हीं भी दो वॉल्स पे अपनी चॉइस का PVC पैनलिंग करवा सकते हैं। कमिंग बैक टू ड्राइंग एरिया, आप यहाँ पे सिटिंग देख सकते हैं कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखी है। स्पेस का आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हैं एंड डेकोरेशन का आइडियाज़ भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इस तरफ आप वॉल देखेंगे, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने डेकोरेट कर रखी है विद द पेंटिंग एंड दिस डेकोरेटिव आइटम, तो आप
ऐसा भी कुछ अपने अपार्टमेंट में कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आ जाएगा आपका डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा डाइनिंग टेबल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। लाइक इन्होंने यहाँ पे 6 सिटिंग का अरेंजमेंट कर रखा है। अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ाना भी चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। पीछे आप वॉल देखेंगे, अगेन एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेंटिंग इन्होंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। आपके ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के साथ अटैच यहाँ पे बालकनी भी आ जाएगी। तो आइए चलते बालकनी में। सो आपकी बालकनी में आपको यहाँ पे दो डोर मिल जाएंगे, एक आपका मैश डोर रहेगा एंड एक आपका रहेगा UPVC टफन ग्लास के साथ। सो आप ये बालकनी यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे साइज में आपको यहाँ पे बालकनी मिल रही है। लाइक धूप जो है प्रॉपरली आपके अपार्टमेंट में आती रहेगी एंड यहाँ से आप ग्रीनरी एंड ऑल इन्जॉय भी कर सकते हैं। ये स्पेस आप देख के यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, आप लाइक अपने लव्ड वंस के साथ आपके क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं बालकनी में एंड यहाँ पे झूला वगैरह प्लांटिंग वगैरह भी कर सकते हैं लाइक एज पर योर कन्वीनियंस। सो ये थी हमारी ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के साथ अटैच बालकनी। एंड आपके डाइनिंग एरिया के बिल्कुल एडजॉइंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा किचन, जिसकी अगर मैं साइज की बात करूँ तो इसका साइज है आपका 7.6 x 12.3। लाइक आप देख सकते हैं ये जो आपका किचन है ये रनिंग किचन है आपका, साइज आप देख सकते हैं इसका। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा आपके रेफ्रिजरेटर का स्पेस, जहाँ पे आप अपना रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप ये जो पूरा शेल्फ देखेंगे ये आपका ग्रेनाइट का टॉप आ जाएगा, पूरा कुकिंग काउंटर आ जाएगा। यहाँ पे आप अपर कैबिनेट्स देख सकते हैं सारे, लाइक स्टोरेज काफ़ी अच्छी दी गई है किचन के अंदर। एंड ये जो चिमनी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको एज इट इज़ यहाँ पे मिलने वाली है एंड आपका गीजर एंड RO भी एज इट इज़ रहेगा। लोअर कैबिनेट्स की बात करेंगे, डिफरेंट साइज में आपको यहाँ पे लोअर कैबिनेट्स भी मिल रहे हैं, लाइक आपके यूटेंसिल्स एंड ऑल सारा सामान आपका इजीली इन कबर्ड्स में स्टोर हो जाएगा। एंड इस साइड मूव करेंगे तो यहाँ पे आपका वेट सेक्शन आ जाएगा, जहाँ पे डुअल सिंक दिया गया है, यहाँ पे भी आपके पास यूटेंसिल्स के लिए कबर्ड दिया गया है। लाइक काफ़ी अच्छा स्टोरेज आपको किचन में मिल रहा है एंड किचन के साथ भी आपका यहाँ पे बालकनी अटैच रहेगा, जो कि आपका रनिंग बालकनी है। आपके किड्स बेडरूम के साथ भी अटैच रहेगा इन केस आपके घर में कोई मेहमान आए हैं, लाइक आपको अपने बच्चों को कुछ सर्व करना है तो आपको वहाँ से घूमने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं उनके रूम में। सो नाउ वी आर ऑल डन विद आवर किचन ड्राइंग एंड डाइनिंग, अब चलते हैं रूम्स की तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे हमारा फर्स्ट रूम इन द साइज ऑफ 10.6 x 14, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रूम है एंड बहुत ही चार्मिंग से कलर इस रूम में यूज़ किए गए हैं। पीछे आप वॉल देख सकते हैं, वॉल में टेक्सचर यूज़ करके एंड वॉलपेपर यूज़ करके बहुत ही ब्यूटीफुल सा वॉल क्रिएट किया है। आप बेड देख सकते हैं एंड गाइज इतना सारा फर्नीचर जो है रूम में है बट फिर भी मेरे पास मूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो आप यहाँ से जो स्पेस है उसका आइडिया लगा सकते हैं। मेरे पीछे यहाँ पे आपके कबर्ड्स आ जाएंगे विथ स्लाइडिंग डोर एंड कमिंग टू दिस साइड अगेन यहाँ पे लाइक काफ़ी अच्छा सा एक स्पेस क्रिएट करके आपके LED जो स्पेस है उसको काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रखा है, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं एंड अपना LED यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप कुछ और भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। नीचे भी आप देखेंगे आपकी स्टोरेज के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस बनाया गया है एंड यहाँ पे आ जाएगी ऊपर आपकी AC की डक्टिंग। एंड गाइस इसी रूम के साथ आपकी अटैच बालकनी भी आ जाएगी यहाँ पे विद मैश डोर एंड UPVC टफन ग्लास डोर। एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉशरूम विद ऑल ब्रांडेड फिटिंग, आप ऐसा पार्टीशन भी अपने वॉशरूम में कर सकते हैं। आप टाइलिंग देखेंगे, फुल वॉल लेंथ की टाइलिंग आपको मिल रही है एंड काफ़ी अच्छी टाइलिंग यूज़ करी गई है। फ्लोरिंग में आपकी सारी एंटीस्केट टाइल्स आ जाएंगी एंड वेंटिलेशन के लिए आपकी यहाँ पे विंडो भी दिया गया है। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट बेडरूम्स की तरफ। गाइस बेडरूम्स में जब आप एंटर करेंगे ना ये ब्यूटीफुल सा पैसेज आपको यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे आप ये वॉल देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो वुडन पीस है इन्होंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं या फिर आप इसको अपना फैमिली गैलरी भी बना सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी फैमिली पिक्चर्स जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेकेंड बेडरूम, जो कि आपका किड्स बेडरूम भी हो सकता है, जिसका साइज रहेगा आपका 10 x 13। काफ़ी ब्यूटीफुली ये भी आपका जो रूम है वो डेकोरेट कर रखा है। पीछे आप देखेंगे यहाँ पे पैनलिंग यूज़ करी गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ऊपर यहाँ पे आपका AC का डक्टिंग आ जाएगा
आपका बेड आ जाएगा कंप्लीट, यहाँ पे आपका स्टडी टेबल आ जाएगा, जहाँ पे मिरर का भी इन्होंने यूज़ कर रखा है, विच इज़ लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड आपकी इस रूम के साथ भी अटैच बैल्कनी आ जाएगी, जो आपकी किचन के साथ अटैच थी, आपकी रनिंग बैल्कनी है वो। एंड इस साइड आपका LED का स्पेस आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना LED इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड मूविंग टू दिस साइड, यहाँ पे आ जाएंगे आपके कबर्ड्स, जो कि लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल डोर्स के साथ आपको मिल रहे हैं, स्लाइडिंग डोर, जिसमें पूरा मिरर का यूज़ कर रखा है, तो आप इसको भी अपना ड्रेसिंग एरिया बना सकते हैं। सो ये था हमारा सेकेंड बेडरूम। अब इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा हमारा थर्ड बेडरूम, जो कि आपका मास्टर बेडरूम है, इन द साइज ऑफ 14.6x11, जिसमें आप फ्लोरिंग देखेंगे, आपका पूरा वुडन फ्लोरिंग यूज़ किया गया है। आप स्पेस का आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि फर्नीचर ऑलरेडी यहाँ पे सेटेड है, क्योंकि ये सैंपल अपार्टमेंट है। एंड यहाँ पे आपकी अटैच बैल्कनी आ जाएगी आपके मास्टर बेडरूम के साथ भी। इस वॉल पे आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेंटिंग यूज़ कर रखा है, सिटिंग के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पेस बना रखा है। यहाँ पे आपका LED पैनल आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना LED लगा सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैनल बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। एंड पीछे का वॉल देखेंगे आप, बेड के पीछे का यहाँ पे वॉलपेपर यूज़ कर रखा है, विच इज़ लुकिंग वेरी वेरी एलिगेंट, लाइक बहुत ही सिंपल एंड सोबर सा लुक दे रहा है पूरे ही रूम को। एंड उस साइड आ जाएंगे आपके कबर्ड्स, विद वेरी वेरी गुड स्पेस। एंड गाइज, यहाँ पे ना आपको एक हिडन चीज मिल रही है, मिरर। आपको यहाँ पे हिडन मिरर मिल रहा है, लाइक कितना अच्छा स्पेस का यूटिलाइजेशन किया है ना उन्होंने यार, सीरियसली। यहाँ पे ऊपर आपका AC की डक्टिंग आ जाएगी। एंड गाइज, ये जो आपका इसके साथ वॉशरूम अटैच है ना, ये आपका इसको आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं, एंड आप इसको यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉमन वॉशरूम है, लाइक आपके गेस्ट वगैरह भी इस वॉशरूम को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप वॉशरूम देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है ये आपका, जिसमें आपकी जितनी भी फिटिंग्स रहेंगी वो सारी ब्रांडेड फिटिंग आ जाएंगी, फ्लोरिंग आपकी सारी एंटीस्केट आ जाएगी, लाइक काफ़ी अच्छा वॉशरूम बनाया है इन्होंने यहाँ पे। सो ये था हमारा आज का सैंपल अपार्टमेंट, जो मैंने आपको रिव्यू करवाया है, लाइक काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट है। अगर मैं साइज़ की भी बात करूँ, स्पेस की बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस ये पूरा अपार्टमेंट है आपका। लाइक अगर आप मेरे रिव्यूज़ की बात करेंगे, तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप एक 3BHK अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं, तो आप इसको अपनी ऑप्शन में कंसीडर कर सकते हैं। गाइज, आपको ये अपार्टमेंट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इसको विजिट करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते हैं, उस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।